गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 3rd of February 2023। कल ECB एंड BOE रेट डिसीशंस था, जहां पे ECB वाज मोर और लेस इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस एंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड साउंडेड अ बिट मोर डोविश। डॉलर इंडेक्स 100.81 लेवल से अच्छा खासा एक रिट्रेस बैक किया, अभी है 101.83। व्हाट इट सिग्निफाइज? ये जो आपका 18th ऑफ जनवरी का जो स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल था, डोजी वाला जो कैंडल था, उसका हाई एंड लो वाज क्रूशियल एंड वी वर एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड, वी आर ओपन टू बोथ। अभी आपका FOMC रेट डिसीशंस के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया एंड कल जो बाउंस बैक करके दोबारा रेंज के अंदर में आ गया, इसको होना नहीं था। क्यों होना नहीं था? अगर इफ द प्राइस हैज टू मूव डाउन, इसको अगर नीचे जाना होता तो इतना शार्प बाउंस बैक नहीं होता। शार्प बाउंस बैक इन द सेंस अगेन दोबारा रेंज के अंदर में आ चुका है। अभी आइदर ये अगेन कंसोलिडेट कर सकता है, नहीं तो उल्टा साइड में जा सकता है। सो आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा जो डॉलर इंडेक्स का पेस ऑफ सॉफ्टनेस और वीकनेस है, उसमें डेंट आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा खासा एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी लग रहा है कि वैसा शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट होगा नहीं, रेदर ये एक कंसोलिडेशन नहीं तो अपमूव की तरफ जा सकता है। अपमूव में जाना है तो अगेन ये जो 18th जनवरी वाला जो डोजी कैंडल का टॉप है, उसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन थोड़ा सा अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपये में कल 1992 लेवल से आपका ऊपर की तरफ एक शार्प अप मूव किया था। इट बेसिकली ओपन एट 81.83, ट्रेडेड 81.29, लो ऑफ 72 एंड फाइनली क्लोज इट 1850 इन इंडियन मार्केट। तो जनरली ये 1995 लेवल्स में काफी टाइम के लिए रुका हुआ था एंड उसके बाद सडनली एक जूम करके ऊपर अप मूव दिया। ऑल्दो इंडियन मार्केट में क्लोज एट 82.1850, बट सब्सिक्वेंटली ग्लोबल मार्केट में ये फिर दोबारा नीचे आया, 82.02 अभी है। सो ये जो आपका रेंज, बड़ा एक रेंज था 81.10 ऑन द लोअर साइड एंड 81.90 से 82.00, उसके ऊपर सेकेंड थर्ड टाइम ये मूव करने का प्रयास किया है। सो आपका 31st January को एक अपमूव मारा था, 82.0725 के हाई मारा। देन आपका 1st February के दोबारा एक अटेम्प्ट किया 82.03 एंड कल फिर और थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। कल का जो हाई था वो प्रीवियस दो सेशन से ज़्यादा अटेम्प्ट था। व्हाट इट सिग्निफाइज? इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ 82.02। कल आप देखोगे जो ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट 82 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हायर अपर एंड पे प्राइस रिजेक्शंस हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूशन है। इसको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। देन एंड ओनली देन ये नीचे का जो रेंज है इसको ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ एक नया रेंज बनाएगा। नया रेंज क्या होगा? जस्ट वी नीड टू वेट एंड ऑब्जर्व। ऑन द हायर साइड एज ऑफ नाउ लग रहा है 82.60 से 82.80 के बीच में एक नया टॉप बन सकता है, प्रोवाइडेड कल का हाई के ऊपर ये क्लोज दे दे। GBP डॉलर पे वी आर वेटिंग फॉर द रेजिस्टेंस जोन, डेट इज 1.24, 1.2450 के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए।
लेकिन बंदा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो चुका है। काफी कंसोलिडेट किया था, काफी कंसोलिडेशन होने के बाद लग रहा था कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, लेकिन हुआ नहीं है, रेदर ये नीचे की तरफ आ गया है आफ्टर बीओई रेट डिसीजंस। सो आप अगर वीकली देखोगे, वीकली में भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। दैट बीइंग द केस, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आने वाले दिनों में हम जीबीपी डॉलर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर भी, जो आपका ट्रेंड लाइन के लिए हम इंतजार कर रहे थे पिछले 4-5 डेली एनालिसिस में, आप देखोगे कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम इंतजार कर रहे थे, सब्जेक्ट टू द क्या कंडीशंस था कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन हो नहीं रहा था। कल ये ब्रेक डाउन किया है, आज अगर कल के लो के नीचे सस्टेन कर जाता है देन वी मे एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन कमिंग डेज। डाउनवर्ड मूवमेंट कितना तक हो सकता है, मे बी 98.50 के तरफ पॉसिबिलिटीज हो सकता है। यूरो डॉलर परसों एक अच्छा खासा बुलिश मूव था, एंड उसके बाद कल आफ्टर ईसीबी रेट डिसीजंस ये पुल बैक किया, थोड़ा सा करेक्शंस किया फ्रॉम द टॉप। टॉप क्या था आपका 1.1032 से करेक्शंस किया, अभी है 1.0898। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, आप अगर RSI में देखोगे, RSI आपका 71 लेवल से, 70-71 लेवल से डेली RSI अभी आया है 60 पे। वंस अगेन हमें देखना है कि आइए 60 में सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाता है या नहीं, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। ये अगर होता है तो दोबारा ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। अगर हम वीकली एंड मंथली में देखेंगे, वीकली में Above 60 में bullishness बरकरार है, monthly में sideways होगा at 49.44, दोनों तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। So daily में ये ऊपर जाएगा in case it is taking support at 60. Euro INR आपका है एक pin bar बनाया है at the top. Also जो location है 89 से 91 के बीच में, 81.25 से 91 के बीच में एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं पे एक पिन बार बनाया है। सो एट द टॉप ऑफ द अप मूव में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, डोजी कैंडल बनाया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली द डोजी कैंडल, इट्स अ पिन बार। एंड ऑल्सो आज अगर एक नेगेटिव कैंडल हो जाएगा तो एक इवनिंग स्टार में फॉर्मेशन होगा, नाम में क्या रखा है वट एवर इट में भी क्या बोलना चाहता है ये प्राइस एक्शंस, यही बोलना चाहता है कि ये एक थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कीपिंग यस्टरडेज हाई एज द स्टॉप लॉस ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। एक नज़र वीकली में भी देख लेते, वीकली में सुपर बुलिश में, मंथली में भी अबोव 60 में है, सो दैट बीइंग द केस ये सेल ऑफ ज़्यादा लंबा नहीं हो होना चाहिए, मीन्स बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं हो। तो आप अगर सेल ऑफ करोगे कीप योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस सो दैट ज्यादा डैमेज ना हो। डॉलर येन आपका 128.66, जैसे कि हमारा एंटिसिपेशंस है कि क्या ये 40 पे RSI सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, दैट इज द ऑब्जर्वेशन वी नीड टू वेट फॉर। ये अगर जाएगा तो आपका बेस आउट करने का डॉलर येन, एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि काफ़ी टाइमों से हम ये इंतज़ार कर रहे हैं, सो मे बी वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम कि क्या ऐसा होता है। अगर इसको शार्प नीचे जाना है तो 40 को तोड़ के ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड लिटिल बिट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। येन आईएनआर पे आपका यहाँ पे RSI 60 के ऊपर 62.50 पे है, ऑल दैट सीरीज ऑफ डाइवर्जेंसेस के कारण हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता तो हम एक शार्प सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एक नज़र अगर हम वीकली में डालेंगे, वीकली में भी सुपर बुलिश है, एंड मंथली में साइडवेज है। दैट बीइंग द केस ये जो सेल ऑफ है
इतना जल्दी नहीं होने वाला है। सो साइडवाइज कंसोलिडेशन एंड एक अपवर्ड बाय ब्रेकआउट पॉसिबल है। डॉलर कैंडी आपका कल एंड परसों नीचे में 1.326570 के बाद सिर्फ वंस अगेन ए अपवर्ड जाने का प्रयास कर रहा है। सो ये ऊपर में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हमारा जो टारगेट है 1.32 1.3225 उसे काफ़ी नज़दीक आके गया है, 1.3265 के आसपास काफ़ी नज़दीक। सो अभी हमें थोड़ा और प्राइस एक्शंस देखना पड़ेगा क्योंकि ये आसानी से नीचे जाना नहीं चाहता है। ऑसी डॉलर में हम एक अपवर्ड प्राइस एक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन कल एक सेल ऑफ आ चुका है। सेल ऑफ अभी है 0.7070। यहाँ पे RSI आप देखोगे RSI at 60, दैट मीन द केस वंस अगेन यहाँ पे हमें देखना है क्या ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। एक नज़र हम वीकली में भी लगा लेते हैं, वीकली में एक पिन बार बनाने का प्रयास करें लेकिन अबोव 60 में है 61.62। सो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये अगर सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो थोड़ा सा थोड़ा करेक्शन हो सकता है। एनीवे प्राइस इज मेकिंग हायर आई हायर लो, सो पुल बैक इज मोस्ट वेलकम। डॉलर CNH 6.7350 ये यहीं पे अटका हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। UK ऑयल अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है 82.29। ये जब तक ये जो स्विंग लो है इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक हायर आई हायर लो बरकरार रहेगा एंड वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ मीन्स इंडिकेशन दैट वी कैन बाई फॉर अपवर्ड मोमेंटम। US स्टैंडर्ड ट्रेजरी 3.38, सो ये जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे आ चुका है अभी, लेकिन RSI अभी 39.52 अभी भी जूम जूम करके नीचे की तरफ सेल ऑफ का कुछ टेंडेंसीज नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करके कंसोलिडेट करने का कोशिश करेगा। उसका वन मोर रीजन इज NFP डेटा ड्यू आज है। सो NFP डेटा के बाद फर्दर जो फेड एक्शन का जो रिजल्ट्स है, दैट मीन्स इतने सारे 8 स्ट्रेट रेट हाइक्स किया हुआ है उसका रिजल्ट्स के लिए इंतजार है। दैट रिजल्ट मे बी सीन इन NFP डेटा, अगर देखते हैं तो उसके बाद फिर नया प्राइस एक्शंस होगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।